वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्म भट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए हमारे शास्त्रों ने कुछ निर्देश दिए हैं। ये निर्देश इस प्रकार है जो हमारे स्नान से जुड़े हुए हैं, जो हम सुबह का स्नान करते हैं। अगर शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं, जो उपनाम दिए गए हैं स्नान के, इस प्रकार से अगर आप स्नान करते हो तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। हमारे शास्त्रों ने सुबह के स्नान के लिए चार उपनाम दिए हैं। एक है मुनि स्नान या ऋषि स्नान, दूसरा है देव स्नान, तीसरा मानव स्नान और जो आखिरी है वो है राक्षसी स्नान। मुनि या ऋषि स्नान जो होता है वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में होता है। देव स्नान सुबह 5 से 6 बजे के बीच में होता है। जो मानव स्नान है वो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में होता है। और राक्षसी स्नान जो सुबह 8 बजे के बाद यानी कि सूर्यदेव के बाद होता है। तो इस तरह से हमारे शास्त्रों में सुबह के स्नान के लिए चार उपनाम दिए गए। अभी उसके फायदे क्या है या नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति मुनि स्नान करता है या तो ऋषि स्नान करता है सुबह 4 से 5 बजे के बीच में, उसके घर में सदैव सुख समृद्धि आरोग्य धन संपत्ति बनी रहती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। जो व्यक्ति देव स्नान करता है 5 से 6 बजे के बीच में, उसके घर में यश कीर्ति धन वैभव ऐसी सारी चीजें बनी रहती हैं, आरोग्य बना रहता है। जो व्यक्ति मानव स्नान करता है उसको अच्छे कर्म करने की सूझ मिलती है, उसके घर में एकता बनी रहती है और सबका स्वास्थ्य ठीक रहता है। जो व्यक्ति राक्षसी स्नान करता है सुबह 8 बजे के बाद, धर्मशास्त्र के अनुसार वो निषेध है, उसको अधर्म माना जाता है। ज़्यादातर लोग अभी के समय में तो यही स्नान कर रहे होंगे, राक्षसी स्नान ही जो 8 बजे के बाद में होता है। तो ये जो स्नान होता है उससे परिवार में कलेश बनता है, दरिद्रता आती है, धन की हानि हमारे परिवार में होती। पुराने समय में होता था, हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि सूर्योदय से पहले आप स्नान करें। तो इसका कारण यही है कि वो लोग जानते थे कि सुबह का जो स्नान होता है उससे घर में एकता बनी रहती है, धन संपत्ति बढ़ती है, परिवार में कलेश का जो भाव बनता है वो नहीं होता। इसीलिए वो लोग कहते थे कि सुबह का स्नान आप करें। प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, अगर हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो सब पे पड़ता है। पहले के जमाने में जो घर की जो स्त्रियां थी, चाहे फिर वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, वो सबसे पहले सुबह उठ के सूर्योदय से पूर्व स्नान करती थी। इसके कारण घर की समृद्धि सुख शांति बनी रहती थी। हमारी ये प्रॉब्लम है जो हमने क्रिएट की है। हम अपनी इच्छा के अनुसार नियम बनाते हैं, बल्कि हम सनातन नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसके कारण हमको दुख भोगना पड़ता है। सुबह अगर आप बहुत अगर लेट स्नान करते हो, बहुत सूर्योदय के बाद, तो उससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, ये भी एक विज्ञान है। तो हो सके तो इसका पालन करने का प्रयास कीजिए, नियमों का पालन करें, अपने लिए खुद नियम बनाए। मानव अवतार बार बार नहीं मिलता, तो उसका पूरी तरीके से उपयोग करें, अपने नियम बनाए, अपनी नीतियां बनाए, धर्म क्या है समझे, ईश्वर को समय दे, लोगों के लिए समय दे, मुंगे पशु पक्षियों के लिए समय दे। इसे धर्म कहते हैं, इसी तरह से जीवन जिया जाता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।